बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली में रविवार को एक बार फिर मुर्दाबाद के नारे लगे। नीतीश कुमार ने नारा लगा रहे लोगों से कहा कि अगर उनको नारेबाजी करनी है तो फिर यहाँ क्यों है। जिनको जिंदाबाद करना है उनकी रैली में जाओ, जाओ उनको सुनने वहाँ जाओ। जिंदाबाद कर रहे हो उसको सुनने के लिए जाओ। यहाँ हमको मालूम है कुछ लोगों को न कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है, हम समाज को एक करने में लगे। वहीं इसके बाद नीतीश कुमार ने जनता के सामने अपने काम गिनाए और आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको भी तो सत्ता मिली थी, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। विजयदशमी के मौके पर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने लोगों से एक खास अपील की है। तेजस्वी ने जनता से कहा कि वे इस पावन मौके पर संकल्प करें कि इस बार नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार रूपी रावण को समाप्त करने के लिए महागठबंधन को वोट करना है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश जी 15 साल से लगातार बिहार के सीएम हैं। 15 साल में उन्होंने नौजवानों, किसान और बिहार की जनता के लिए कुछ नहीं किया, इसके बावजूद वो लोगों से और 5 साल मांग रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमकर रैली कर रहे हैं। बिहार के दरभंगा की एक रैली में उन्होंने कहा कि बिहार के सभी लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। पहले बिहार का बहुत बुरा हाल था, अपराध की बहुत सी घटनाएं घटी, विकास का दर न के बराबर था, हम लोगों ने हर चीज पर कंट्रोल किया। सीएम नीतीश ने कहा कि हमने शुरू से कहा है कि हम न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलते हैं। हमारा मकसद है आपकी सेवा करना। जब से मौका मिला है हम लोगों को काम करने का, हम लोगों ने अपने प्रचार में कोई समय नहीं लगाया, हमने सारा समय हम लोगों ने काम में लगाया। बिहार के लोगों और राजनीतिक गलियारे में एनडीए का यह चुनावी विज्ञापन खूब चर्चा में है। यह विज्ञापन रविवार को बिहार के सभी बड़े अखबारों के पहले पन्ने पर था। इस विज्ञापन में सिर्फ पीएम मोदी की तस्वीर है, जबकि एनडीए के सीएम फेस नीतीश कुमार की फोटो तक कहीं नहीं। इस पे एनडीए के सभी दलों के चुनाव चिन्ह तो हैं, लेकिन नीतीश कुमार ही गायब हैं। यही वजह है कि ये विज्ञापन अब विरोधियों के निशाने पर आ गया। आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री चुना जाना है, प्रधानमंत्री नहीं। तो एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्विटर पर लिखा कि नीतीश जी को प्रमाण पत्र की आवश्यकता खत्म होती नहीं दिख रही। इस पूरे पन्ने के प्रमाण पत्र वाले विज्ञापन के लिए नीतीश जी को बीजेपी के साथियों का शुक्रगुजार होना चाहिए। दशहरे के मौके पर पीएम मोदी ने 70वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कोरोना महामारी, सीमा पर तैनात सैनिकों और लोकल फॉर वोकल की बातें की। उन्होंने कहा कि अभी त्योहार का मौसम आने वाला है, इस दौरान लोग खरीदारी करेंगे। आप खरीदारी के दौरान वोकल फॉर लोकल का संदेश जरूर याद रखें और स्थानीय और स्वदेशी सामानों को खरीदें। पीएम ने देश के सैनिकों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार आम लोग दिवाली में एक दिया सीमा पर तैनात सैनिकों के नाम जलाएं। पीएम मोदी ने कहा, हमें अपने उन जांबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमा पर डटे हैं। इसके साथ ही पीएम ने लोगों से एक बार फिर अपील कि वो त्योहारों के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करें। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को देश की जनता को विजयदशमी पर्व की शुभकामना दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि विजयदशमी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि शासन में लोग सर्वोपरि हैं और एक शासक की जिंदगी में अहंकार, झूठ और वादा खिलाफी की कोई जगह नहीं है। सोनिया गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि अंत में सच की विजय ही नियति है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह दशहरा लोगों की जिंदगियों में न सिर्फ खुशहाली, शांति और समृद्धि लेकर आएगा, बल्कि उनमें सौहार्द और सांस्कृतिक मूल्यों को भी मजबूत करेगा। कांग्रेस चीफ ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहार के दौरान कोविड-19 के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिक्किम में भारतीय सेना के साथ दशहरा मनाकर चीन को सख्त संदेश दिया है। रविवार को अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत चीन की सीमा पर जो तनाव चल रहा है वो खत्म होना चाहिए और शांति स्थापित होनी चाहिए। इसके साथ ही राजनाथ ने सख्त तेवर में कहा कि सीमा पर कभी कभी नापाक हरकत होती रहती है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ
कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने मुल्क की एक इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। इस दौरान उन्होंने हथियारों की पूजा भी की। भारत तो यह चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो, उद्देश्य हमारा यह है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की एक इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। चीन के साथ तनातनी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर अब राहुल गांधी ने पलटवार किया है। राहुल ने कहा कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है और भागवत इसका सच जानते हैं, लेकिन सामना करने से डरते हैं। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि अंदर ही अंदर श्री भागवत सच जानते हैं, वह इसका सामना करने से डर रहे हैं। सच्चाई यह है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है और भारत सरकार और RSS ने ऐसा होने की अनुमति दी है। दरअसल दशहरा के मौके पर भागवत ने अपने संबोधन में कहा है कि चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया से चीन सकते में है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन की अपेक्षा भारत को अपनी शक्ति एवं दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। दशहरा पर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि CAA से किसी को खतरा नहीं है और इसे लेकर देश के मुस्लिम समुदाय को भ्रमित किया गया है। भागवत के बयान पर अब AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हम लोग बच्चे नहीं हैं कि हमें कोई भी भटका दे। ओवैसी बोले कि BJP ने ये नहीं बताया कि एक साथ CAA और NRC का मतलब क्या है। अगर ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है तो सभी कानून से धर्म शब्द हटा दें। असदुद्दीन ओवैसी बोले कि ये जान लीजिए, हम लोग बार बार प्रदर्शन करते रहेंगे तब तक जब तक कि कानून में हमें खुद को भारतीय साबित करने की बात रहेगी। उन्होंने कहा कि हम हर उस कानून का विरोध करेंगे जिसमें लोगों की नागरिकता धर्म के आधार पर तय की जाएगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दमोह से पार्टी के विधायक राहुल लोधी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर BJP का दामन थाम लिया। राहुल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में BJP की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले राहुल ने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को अपना इस्तीफा सौंपा। दरअसल राहुल लोधी के भाई और पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी के BJP में शामिल होने के बाद से ही उनके छोटे भाई के भी BJP में आने की चर्चा पहले से ही थी। वैसे शिवराज सरकार के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि उनके पास फिलहाल 107 विधायकों का समर्थन है और बहुमत के लिए उन्हें 9 सीटों पर जीतना जरूरी है। फिलहाल राज्य में 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। जाहिर है शिवराज के लिए एक एक सीट अहम है। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर की 2019 वाली पार्टी में किसी ड्रग्स के कोई सबूत नहीं मिले हैं। NDTV ने NCB सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट छापी है कि 2019 की बॉलीवुड स्टार्स वाली उस पार्टी के वायरल वीडियो की दूसरी बार जांच गुजरात के गांधीनगर FSL ने की है, जिसकी रिपोर्ट अब आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वायरल वीडियो में सफ़ेद रंग की जो इमेज दिख रही है वो महज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि रोशनी की चमक भर है। NCB सूत्रों का कहना है कि ताज़ा FSL रिपोर्ट में कोई संदिग्ध पदार्थ वीडियो में नज़र नहीं आया है। आपको बता दें कि सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर लगातार कुछ लोगों ने बहुत से सवाल उठाए, इनमें कंगना का नाम सबसे ऊपर रहा। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर कपिल देव को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद कपिल देव की एंजियोप्लास्टी की गई थी। उन्हें सीने में दर्द के बाद दिल्ली के फोर्टिस स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल का कहना है कपिल देव को रविवार दोपहर छुट्टी दे दी गई, वह बेहतर स्थिति में है और जल्द ही अपनी सामान्य गतिविधि शुरू कर सकते हैं। कपिल देव के पूर्व साथी चेतन शर्मा ने कपिल और डॉक्टर माथुर की तस्वीर के साथ ट्वीट किया है। डॉक्टर अतुल माथुर ने ही कपिल देव की एंजियोप्लास्टी की है, वो अब ठीक हैं।